साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों को ट्रांसफर दिए गए थे उनके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। शून्य नामांकन वाली शालाओं के शिक्षकों की पदस्थापना हेतु आयोजित काउंसलिंग के आधार पर निम्नलिखित लोक सेवकों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के कॉलम क्रमांक 7 एवं 8 में अंकित संस्था एवं जिले में समान सामर्थ्य एवं वेतनमान के स्वैच्छिक स्थानांतरण कर पदस्थ किया जाता है। तो यह नियम और शर्तें दी गई हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण करवाए गए हैं। शून्य नामांकन वाली जो शालाएँ थी उनकी काउंसलिंग करवाई गई थी और उनके स्कूल भरवाए गए थे। उन्हीं स्कूलों के आधार पर इनके स्थानांतरण आदेश जारी हो गए हैं। संबंधित लोक सेवक स्थानांतरण आदेश जारी होने के पर तत्काल कारमुक्त किया जाए, इसका संपूर्ण उत्तरदायी संबंधित संकुल प्राचार्य का होगा। स्थानांतरित लोक सेवक संकुल केंद्र में उपस्थिति देने के उपरांत स्थानांतरित संस्था में कारभार ग्रहण करेगा। इसकी लिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात नवीन पदस्थापना एवं कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकार नहीं होगा। संबंधित शिक्षक तत्काल शाला में समस्त दस्तावेज सामग्री उपकरण इत्यादि संकुल प्राचार्य को सौंपेंगे। आदेश का पालन 7 दिवस में नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यह आदेश जारी कर दिए गए हैं शून्य नामांकन वाली शालाओं के शिक्षकों के, और उन्हें 7 दिवस में कारभार ग्रहण करना अनिवार्य है, नहीं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।